नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट न्यूज़ 24। वेलकम एवरीवन। और आज हम बात करेंगे GDS के जो मैसेज आ गए हैं। अगर आपको भी मैसेज आ गया है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या करना है, सारा प्रोसेस ऑफिशियली हम आपको बताएंगे कि ये होने वाला है और 100% सही होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चैनल के नीचे 1,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे भरोसेमंद चैनल है डाक विभाग का, और बाकी विभागों की जानकारी भी हम आपको देते हैं, साथ ही साथ जॉब वैकेंसीज भी देते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह प्यार देते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जो सटीक जानकारी होती है और जेन्युइन न्यूज़ मिलती है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, आपको SMS आएगा, जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसी दिन आपका जो है मैसेज आने वाला है, और उसके बाद जो है वेबसाइट अपलोड होता है। ठीक है, वेबसाइट का अपलोड 1-2 दिन बाद होता है, पहले सिलेक्शन का मैसेज आता है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है सेकेंड स्टेप के लिए। सेकेंड स्टेप है, पोस्टमैन आपके घर में आएगा और आपके घर में एक इंटीमेशन लेटर या ऑफर लेटर आपके घर में दे के आएगा। ठीक है, इस जो लेटर है उसका जो एक हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं आपको यहाँ पे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे लेटर में क्या क्या लिखा रहता है और आपको कहाँ जाना है और किससे मिलना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसके बाद वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पूरा लाइव दिखाएंगे आपको। तो इसके बाद जो होगा, आपके घर में लेटर आ गया और लेटर में लिखा रहेगा डेट। अब इसमें जो कितना टाइम लग सकता है, तो दोस्तों किसी को 1 महीना, किसी का 2 महीना तक लग जाता है। ठीक है, तो किसी का 20 दिन के अंदर आ जाता है, किसी का 15 दिन। कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी आ सकता है। आपने एड्रेस सही दिया होगा होपफुली। ठीक है, आपने अगर चेंज कर लिया है एड्रेस तो आप उस जगह में जाइए, अगर आप रेंट में रहते थे, और बताइए कि कोई लेटर आने वाला है और आप तक फॉरवर्ड कर दे। ये हो गया दोस्तों, आपके घर पर आ गया लेटर, वहाँ पर डेट लिखा था। अब डेट लिखा जहाँ पर है वो डेट नोट कर लीजिए और जगह नोट कर लीजिए और वहाँ पर जाइए। वो होगा आपका रिक्रूटिंग अथॉरिटी, यानी वो ऑफिसर के अंडर में आप काम करेंगे, और वो ऑफिसर आपका जो है पूरी तरीके से जो जांच पड़ताल करेगा सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन। तो ये आप हम पहुँच गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन का वीडियो हमने डाल रखा है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है जो इंस्पेक्टर हो या सुपरिंटेंडेंट हो या जो भी आपका ऑफिसर है जो आपके ले रहे हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन, वो भेज देंगे आपके सर्टिफिकेट कंफर्म होने के लिए। पुलिस से वेरीफाई होगा, स्कूल से आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद आपको बता दें कोई कोई जगह पे ऐसा है कि वो हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और कोई कोई जगह में हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट अगर लिखा है तो वो भी लेके जा सकते हैं। और इसके बाद आपका जो है सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग का एक प्रोविजनल लेटर पहले दिया जाएगा। ठीक है, पहले प्रोविजनल दिया जाएगा ज्वाइनिंग का, और इसके बाद परमानेंट ज्वाइनिंग का लेटर दे दिया जाएगा, और इसके बाद आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं 3 से 4 महीने में कंप्लीट होता है, और काफ़ी डिपेंड करता है कि पुलिस वेरीफाई कब करते हैं और बोर्ड वेरीफाई कब करते हैं। इस बीच बीच में आपको कॉन्टैक्ट में रहना है अपने रिक्रूटिंग अथॉरिटी के, क्योंकि आपको देखना है कि सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं, या फिर कोई यहाँ पर बीच में घुस तो नहीं रहा, उसका आप मतलब आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह की अपडेट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, या फिर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो फेसबुक में यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह से ही जो है जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं करते रहिए। धन्यवाद।